नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज TNN। प्रस्तुत हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। जम्मू कश्मीर सोपोर मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर, मारा गया मुतासिर। 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 53,256 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1,422 मरीजों की मौत। खबर, देश भर में मुफ्त टीकाकरण आज से, कोविन ऐप पर पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं। उत्तर प्रदेश में आज से खुले होटल रेस्टोरेंट और दिल्ली में पार्क। आंध्र प्रदेश में लागू रहेगा लॉकडाउन, कर्नाटक में पाबंदियों में छूट। अरुणाचल प्रदेश में सुबह सुबह भूकंप के झटके, पूर्वोत्तर में बीते 48 घंटे में छठवीं बार कांपी धरती। वेदर अपडेट्स, मानसून की प्रगति दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में धीमी। महाराष्ट्र में मिला वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट, इम्यूनिटी को दे सकता है धोखा। सीबीएसई 12वीं का मूल्यांकन मानदंड, उच्चतम न्यायालय में अंतिम फैसला आज। सेंसेक्स निफ्टी टुडे गिरावट के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 524.97 अंकों, 1वीं सदी की गिरावट के साथ 51,819.48 के स्तर पर खुला। निफ्टी 164.90 अंकों, 1.05% की गिरावट के साथ 15,518.50 के स्तर पर खुला। अफगानिस्तान के पत्रकार ने भारत के मुद्दे पर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जमकर धुलाई की। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज TNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।